अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 कॉन्टिनेंट यूरोप। आपने जो है स्टडी किया था कि आप जो है वर्ल्ड में 7 बरियाज़म हैं, उनमें से एक जो है वो बरियाज़म यूरोप है। आप इसका लोकेशन और रेंज यानी मुहल्लिक और वसत के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ इसमें बच्चे चीज़ें अंडरलाइन के लिए होंगी, वो आप अंडरलाइन करेंगे। तो यूरोप और एशिया मिलकर एक कत अज़ीम को तशकील देते हैं जिसको यूरेशिया कहते हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। अब यूरोप और एशिया के मिलने की वजह से वर्ल्ड यूरेशिया बना है। अब यूरोप और एशिया को एक नाम क्यों दिया गया, ये अलग अलग हालांकि बड़े आज़म हैं, और ऐसा इस वजह से है स्टूडेंट्स क्योंकि ये दोनों जो हैं एक बर्रे कत अज़ीम का हिस्सा है, यानी ये खुश्की का टुकड़ा आपस में एक दूसरे से मुलहिका है और दोनों के दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं है सवाए एक पहाड़ी सिलसिले के। जो आपने जब बरेआज़म एशिया वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि यूरोप और एशिया के दरमियान कोई यूराल का जो पहाड़ी सिलसिला शुमालन जनूबन फैला हुआ है, वो दुनिया दोनों बरेआज़मों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है या सेपरेट करता है। इस कत अज़ीम का रकबा 54.5 मिलियन मरबा किलोमीटर है। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है ये कि यूरोप का रकबा कितना है। अब यूरोप जो है वो यूरोप का साहिल सबसे ज़्यादा लंबा, ये भी आप अंडरलाइन करेंगे कि बरेआज़मों के मुकाबले में यूरोप का साहिल सबसे ज़्यादा लंबा है और बरेआज़म यूरोप के तकरीबन हर तरफ अंदरूनी समंदर खलीजें और खाड़ियाँ वगैरह वाक़ हैं और कोई भी इसका हिस्सा समंदर से 1600 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर नहीं है। इट मींस कि ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा समंदर से बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से इसका मरकज़ी हिस्सा जो है एशिया का मरकज़ी हिस्सा समंदर से जो है वो 3200 किलोमीटर के फासले पर है और यूरोप का कोई हिस्सा भी समंदर से 1600 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर नहीं है। अब ये दोनों में डिफरेंस बताने का मतलब ये है कि जो यूरोप का हर हिस्सा समंदर से 1600 किलोमीटर दूर है जबकि एशिया का जो बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है वो 3200 किलोमीटर के डिफरेंस पे है, यानी वो डबल डिस्टेंस रखता है यूरोप के मुकाबले में। तमाम बरेआज़म यूरोप जो है अब मंतका मुतदिला में वाक़ है, ये भी बच्चे आप अंडरलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। शुमाल में सिर्फ छोटा सा इलाका कुतुब शुमाली में वाक़ है, 40 दर्जे अर्ज़बल्द शुमाली स्पेन और पुर्तगाल को तकरीबन वत से काटता है और इटली को छू कर गुजरता हुआ बहरा अस्वद के जुनूब में ये बहरा कैस्पियन में से गुजरता है। अब यहाँ ये इसकी टोटल बाउंड्री लाइन बताई जा रही है बहरा अरब की आपको बचे के उसके सराउंडिंग में शुमाल में और वस्त में जो है वो क्या इसकी लोकेशन है, ये भी आप अंडरलाइन करेंगे। सिफर दर्जा तूल पर लंदन के करीब ग्रेनिश से गुजरता है, 40 दर्जे तूल बल शुमाली रूस के दरमियान में से गुजरता है, ये भी आप अंडरलाइन करेंगे। अब बरेआज़म यूरोप की जो कैटेगरीज हैं यानी हम फिज़िकली अगर इसके फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो हम इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। शुमाल मगरबी कोहिस्तान और बाल्टिक शील्ड, शुमाली यूरोपी वसी मैदान वस्ती यूरोप के कोहिस्तानी इलाके, नौ मरमल फूफा पहाड़ और मगर मशरकी यूरोप का रूसी प्लेटफॉर्म। अब शुमाल मगरबी कोहिस्तान जो है ये एक वसी पहाड़ी सिलसिला था जो खुशोखस्त और इसके अमल से एक कम बुलंद लहरदार सतह में तब्दील हो गया और मौजूदा ज़माने से करीबन 350 मिलियन साल पहले जब पहाड़ों का सिलसिला नॉर्वे के शुमाल में बुलंद हुआ और आयरलैंड के तक फैल गया तो उस वक्त इस पहाड़ी सिलसिले के कुछ हिस्से नीचे दब गए और नॉर्वे स्वीडन स्कॉटलैंड और आयरलैंड के कमलंद पहाड़ों की सूरत में खड़े हैं, यानी 350 मिलियन साल पहले जो हम स्टडी करते हैं कुलदूनी पहाड़ी सिलसिलों के बारे में ये सिलसिला उस दौर से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ज़्यादा कदीम होने के बायस ये अपनी बुलंदी खो चुका है और ये उतना ज़्यादा बुलंद नहीं है जितने दुनिया के और बुलंद तरीन पहाड़ हैं, इसलिए ये बकिया पहाड़ों की सूरत में खड़े नज़र आते हैं ये पहाड़। और एक तवील अरसा जो है वो अमले शिकस्त और रीख में रहने के बायस ये एरियाज जो हैं वो कम बुलंद हो गए हैं और नॉर्वे और स्कॉटलैंड के मगरबी किनारों में ये ढलान की सूरत में वाक़ हैं। साहिलों पर खलीजें हैं और साहिल से अंदर तक समंदर चला गया
और एक तरह से ये फ्योर्ड साइल है। यहाँ पे बाल्टिक शील्ड जो है वो जो फेनस्कैंडिया वाला एरिया आपको मैप में नज़र आ रहा है, ये भी पुरानी सख्त चट्टानों का एरिया है। यहाँ भी कोई किस्म की ज़राअत नहीं होती और जो है वो मादनियात इक्तसादी लिहाज से अहमियत रखती हैं, जैसे यहाँ पे लोहा और तांबा पाया जाता है, या मादनियात और जंगलात की वजह से भी यहाँ पे अहम कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। नीज़ ये इलाका ज़माना कदीम में बर्फ़ से ढका होने की वजह से भी, जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हुई और अगड़ाओं का अमल हुआ, चोटियाँ जो है वो बर्फ़ के ज़ेर असर रहने के बायस गोल और हमवार हो गई और नरम चट्टानें कट गई और वहाँ पे नशीब पैदा होगी। इस तरह ये इलाका जो है वो काबिल काश नहीं रहा। सेकेंड इसका पॉइंट बच्चे है शुमाली यूरोपी वसी मैदान। ये भी आपको यहाँ पे मैप पे ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, जो भी मैदानी इलाका होगा वो ग्रीन में आपको नज़र आएगा। मीन के वो कल्टीवेटेड लैंड है या कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकती है। यहाँ पे दरिया फ्लो कर रहे होंगे और उनको एक अच्छा जो है वो अच्छा रास्ता मिल रहा है तमाम जो है वो कंट्रीज़ में जाने के लिए और कंट्रीज़ से दोबारा समंदरों में शामिल होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शुमारी यूरोपीय वसी मैदान में आप कुछ दरियाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो अपना पानी बहरा शुमाली में डालते हैं, इसी तरह कुछ दरिया अपना पानी बहरा रूम के अंदर डालते हैं, या कुछ अपना पानी जो है वो बहरी ओकेानूस के साइड यानी सतह अथवा स्पेन से ऊपर का जो हिस्सा है वो तमाम शुमाल जो है वो मशरकी बहरी ओकेानूस या शुमाली बहरी ओकेानूस के रेंज का इलाका है उस वहाँ अपना पानी डालेंगे। अब शुमाली यूरोपीय वसी मैदान की अब आप जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये पहाड़ों का ये सिलसिला बाल्टिक शील्ड के जुनूब में खलीज मस्के और मैदान इंग्लिस्तान से मशरक़ की तरफ शुमारी फ्रांस बेल्जियम जर्मनी हॉलैंड और पोलैंड में से गुजरता हुआ रूसी मैदान में जा मिलता है। ये मैदान हमवार नहीं है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल आम मैदानी इलाकों की तरह हमवार नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कम बुलंद पहाड़ियों के सिलसिले भी नज़र आते हैं, फराग वादियाँ नज़र आती हैं, कुछ कम बुलंद सतुए मुर्तफा नज़र आते हैं या नशीब अफराज दिखाई देते हैं। आमतौर पर कोई भी इलाका जो कि मैदानी इलाका कंसीडर किया जाता है या मैदानी इलाका होगा उसमें सतुए मुर्तफा का कंसेप्ट बहुत कम होता है या समटाइम वहाँ पर नशीब अफराज का इतना ज़्यादा तवील सिलसिला नहीं होता, तो शुमाली यूरोपी वसी मैदान में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप कैटेगरीज पढ़ रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के नशीब अफराज के इलाके और सतह मुर्तफा टाइप के इलाके मौजूद हैं। फिर ये इलाका जो है वो ज़रई एतबार से अहमियत का हामिल है। यहाँ के इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें बेल्जियम हॉलैंड डेनमार्क और जर्मनी का के एरियाज शामिल हैं। इसी तरह इस हिस्से के जुनूब में यानी शुमाली मैदान के जुनूब में कता हाई ज़मीन है जिनकी सतह पर नरम मट्टी की तह मौजूद है जो हवा के अमल से मुंतकिल होकर यहाँ तेहों की सूरत में जमा हो गई और इसे लॉयस कहते हैं। और ऐसी ज़मीन शुमारी फ्रांस बेल्जियम हॉलैंड डेनमार्क वस्ती जर्मनी और पोलैंड में पाई जाती है और ये तमाम इलाके ज़रई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। चलिए बच्चे इसको आपने टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है, आपने जो है वो हर एक के बारे में चार चार पॉइंट मुझे बना के सेंड करने हैं हर एक पैराग्राफ के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।